गुड मॉर्निंग ऑल, मैं नवल आप लोगों का मेरी चैनल फिल्मस में स्वागत करता हूं। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गेट 2020 में। आपके ये क्वेश्चन था, इसमें ये दो फंक्शन गिवन थे, एक पीओवी फंक्शन था, एक पीवी फंक्शन था, और आपको आउटपुट पूछा था। अगर फंक्शन पीपी कॉल किया गया है जिसमें आर्गुमेंट पास हुए 3.4, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, इसमें ऑप्शन नहीं थे, इसमें आपको आंसर निकालना था क्या होगा। चलिए देखते हैं, पीपी फंक्शन कॉल किया है 3 और 4 से, तो ए के अंदर वैल्यू पास हुई 3 और बी के अंदर वैल्यू पास हुई 4, ठीक है। एक एरे है जिसमें कितने, जिसकी साइज कितनी है 20, एक वेरिएबल आई है टी यू टी, एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू 1 सी निकल रही है, एक वेरिएबल ई एक्स, एक वेरिएबल एल ई एन है, और ई एक्स की वैल्यू ए हुआ है, तो ई एक्स की इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई 3, क्योंकि ए को कॉल, ए की इनिशियल वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। फिर क्या है, एल ई एन इक्वल टू पीओवी फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पर, तो पीओवी फंक्शन की डेफिनेशन लिख हुई है, पीओवी में आर्गुमेंट पास हुए हैं बी, और ये क्या है 100 टाइप वेरिएबल है, ठीक है, और ये क्या है एरे, मतलब एरे का फर्स्ट एड्रेस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पास क्या होगा 4, और एरे मान लो एरे है ये 20 एलिमेंट की एरे है, मान लो यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स है 100, ठीक है, तो टीओवी पास होगी यहाँ पर 4,100 जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक वेरिएबल आई इनिशियलाइज किया गया है, ठीक है, आई इक्वल टू 0 से लेके और बी ग्रेटर देन 0 आई प्लस प्लस, और ये डेफिनेशन चल, तो हम सॉल्व करते हैं क्या होगा, आई की वैल्यू 0 है और बी की इनिशियल वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है, तो 4 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पर आएगा इफ बी मॉडुलस 2, मतलब 4 मॉडुलस 2 के अगर रिमाइंडर 0, मतलब ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स तो एल्स पार्ट्स लेगा और एरे में इंडेक्स 0 पे वैल्यू कब जाएगी 0, मतलब वो कह रहा है एक एरे बन रही है, ठीक है, एक एरे बन रही है, और अगर बी मॉडुलस 2 ये 1 आता है तो उसमें वैल्यू क्या जाएगी 1, अदरवाइज क्या जाएगी 0, ठीक है। तो मान लो ये एक एरे बन रही है, ये एक एरे बन रही है, ठीक है, और 4 मॉडुलस 2 0, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर एरे के 0 इंडेक्स पे आई इक्वल टू 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है, और बी इक्वल टू बी बाई 2, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 2, ठीक है। तो फिर आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू जाएगी 1, फिर चेक होगा 2 मॉडुलस 2 0, तो ये फॉल्स, तो फिर एरे की वैल्यू 1 पे इंडेक्स 1 पे क्या हो जाएगी वैल्यू फिर से 0, और बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई 2 मतलब 2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगी 1, और आई प्लस प्लस तो आई की वैल्यू 1 क्या हो जाएगी 2, ठीक है। फिर चेक होगा बी की वैल्यू 1 है, 1 मॉडुलस 2 कितना आएगा 1, तो ये इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इंडेक्स पे क्या जाएगा 1, इंडेक्स 2 पे क्या जाएगा 1, ठीक है, तो एल्स पार्ट में चलेगा और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डिवाइड बाई 2 मतलब 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 0, ठीक है, और आई प्लस प्लस तो आई की वैल्यू बढ़ क्या हो जाएगी 3, ठीक है। फिर चेक हुआ बी 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स लूप से बाहर आ जाएंगे और रिटर्न क्या करेगा आई, तो आई की वैल्यू क्या है 3, तो 3 रिटर्न करेगा यहाँ से, और ये रिटर्न हो रहा है यहाँ पर, तो ये किसमें रिटर्न होकर जाएगा एल ई एन में, एल ई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर से समझना, वो कह रहा है सिंपल कि यहाँ पर 4 से कॉल हो रहा है, बी की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो 4 से यहाँ कॉल हो रहा है, और 4 मॉडुलस 2 हर बार चेक हो रहा है कि क्या वो मॉडुलस 2 अगर ट्रू है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए एरे में, और अगर ट्रू नहीं है तो क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। तो 4 मॉडुलस 2 0 आ रहा था, 0 इंडेक्स पे 0 आएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे 0 आएगा, 2 इंडेक्स पे 1 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 3 रिटर्न हुई, तो एल ई एन की वैल्यू 3 हो गई। अब इस लूप के अंदर आएंगे हम, तो ये क्या चल रहा है, आई की वैल्यू 0 से लेके आई लेस देन एल ई एन मतलब आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस क्या हो रहा है, इफ एरे ऑफ आई इक्वल टू 1 तो ये चले, और ईएक्स इक्वल टू ईएक्स इंटू एक्स, ठीक है। चेक करते हैं आई की वैल्यू 0 के लिए एरे ऑफ आई, एरे ऑफ 0 क्या वैल्यू 0 है, क्या वैल्यू 1 है, नहीं फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ये स्टेटमेंट चलेगा ईएक्स इक्वल टू ईएक्स इंटू ईएक्स। अब ईएक्स की वैल्यू क्या थी इनिशियल, ईएक्स की वैल्यू इनिशियल थी 3, तो ईएक्स की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 3 मतलब ईएक्स की नई वैल्यू हो जाएगी क्या 9, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू जाएगी 1, 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू। फिर चेक होगा कि एरे ऑफ 1 इक्वल टू 1, एरे ऑफ 1 क्या है फिर से 0 है, फिर से 0, तो ये स्टेटमेंट फिर से नहीं चलेगा, अब ये स्टेटमेंट फिर से चलेगा ईएक्स इक्वल टू ईएक्स इनटू ईएक्स, तो ईएक्स की नई वैल्यू कितनी है 9, तो 9 इनटू 9 तो
dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81, ठीक है। i प्लस प्लस तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, इफ एरे ऑफ 2 इक्वल टू 0.1 एरे ऑफ 2 इक्वल टू 0.1 कंडीशन ट्रू तो TOT की वैल्यू क्या हो जाएगी TOT इनटू dx, TOT की वैल्यू किससे निकालेंगे 1, 1 इनटू dx की वैल्यू कितनी 81, तो 1 इनटू 81 तो TOT की वैल्यू कितनी हो जाएगी TOT इक्वल टू 81, ठीक है। और i प्लस प्लस तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 3 लेस देन 3 फॉल्स, तो बाहर आ जाएंगे रिटर्न कर देगा क्या TOT, TOT का रिटर्न करेगा 18, क्या रिटर्न करेगा 81, तो इसका आंसर क्या होगा 81, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, केवल दो फंक्शन थे तो हमको देखना था यहाँ 3.4 से इनिशियलाइज है, TOT कॉल हो रहा है यहाँ पे 4 से, और ये डेफिनेशन चेक करना था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ 81, ठीक है। ऑप्शन नहीं थे इसमें, ठीक है, दो नंबर का क्वेश्चन था, तो आप देख रहे हो इसका आंसर क्या 81, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बाइनरी सर्च ट्री से क्वेश्चन आया हुआ था, देखते हैं उसको क्या क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि एक बाइनरी सर्च ट्री है जिसका प्री ऑर्डर गिवन है हमको 15, 10, 12, 11, 20, 18, 16 और 19, ये बाइनरी सर्च ट्री का प्री ऑर्डर है, ये क्या प्री ऑर्डर है। हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है कि पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, ऑप्शंस है 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 11, 12, 10, 16, 19, 18, 20, 15, 20, 19, 18, 16, 15, 12, 11, 10 और 19, 16, 18, 20, 11, 10 और 15, ये चार ऑप्शन। ये बीएसटी का क्या पी ऑर्डर है, हमको मालूम है कि बीएसटी का इनऑर्डर क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है कि एरे को क्या सॉर्टेड फॉर्म में लिख देंगे तो बीएसटी क्या हो जाएगा इनऑर्डर। हम ये क्यों कह पा रहे हैं क्योंकि ट्री क्या है बीएसटी है, ये केवल बीएसटी की प्रॉपर्टी है, किसी भी ट्री का इनऑर्डर सॉर्टेड होगा ऐसा नहीं है। बीएसटी का इनऑर्डर में से क्या था सॉर्टेड है, इसको सॉर्टेड फॉर्म में लिख देंगे तो 11, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, ये क्या हो जाएगा इनऑर्डर, ठीक है। तो इसका पोस्ट ऑर्डर निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, हमको मालूम है कि प्री ऑर्डर का सबसे फर्स्ट नोड होता है, क्या होता है हमेशा ट्री का रूट, तो 15 क्या हो जाएगा ट्री का रूट हो जाएगा। अब 15 की पोजीशन देखेंगे हम इनऑर्डर में, और 15 के लेफ्ट में जो भी है वो लेफ्ट सब ट्री में होंगे, 15 के राइट में जो भी है वो क्या होंगे राइट सब ट्री में, तो 15 के लेफ्ट सब ट्री में क्या होंगे 10, 11, 12 और 15 के राइट सब ट्री में क्या होंगे 16, 18, 19 और 20, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें से रूट क्या बनेगा, तो हम देखेंगे 10 11 12 में से पहले कौन आ रहा है, 10 पहले आ रहा है, मतलब इसमें से रूट क्या बनेगा 10, प्री ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है 10, जो प्री ऑर्डर में पहले आता है वो क्या होता है रूट, 10 पहले आ रहा है और 11 और 12 क्या है इसके राइट में, तो 11 और 12 कौन है इसके राइट में। अब फिर से देखना पड़ेगा हमको कि 11 और 12 में से रूट कौन बनना है, पहले कौन आया था 12, तो इसमें से 12 रूट बनेगा, 12 रूट बनेगा, और 12 के रिस्पेक्ट में 11 कहां आएगा इन ऑर्डर में देखेंगे तो 12 के रिस्पेक्ट में 11 कहां आ रहा है लेफ्ट में, हमेशा सिचुएशन हम देखते हैं इन ऑर्डर में कि रिस्पेक्टिव नोड कहां पर है, ठीक है। और ये क्यों देखते हैं, ये मेरी वीडियो डली हुई है डेटा स्ट्रक्चर में, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो। अब 16, 18, 19, 20 में रूट कौन बनेगा, तो हम देखेंगे कौन है पहले 20, तो 20 रूट बनेगा, 20 के रिस्पेक्ट में 16, 18, 19 सब कहाँ है लेफ्ट में, तो ये सारे लेफ्ट में, तो 16, 18, 19 में रूट कौन बनेगा 18 बनेगा, तो 18 आ गया, 18 के रिस्पेक्ट में 16 लेफ्ट में है और 19 कहाँ है राइट में, तो ये हमारा क्या आ गया ट्री आ गया, ठीक है। तो इन ऑर्डर ऑफ प्री ऑर्डर से कैसे ट्री बनाते हैं ये आपने देख ली, अभी हमको देखना है कि इसका पोस्ट ऑर्डर क्या आएगा, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर होता है लेफ्ट राइट और रूट, ये क्या होता है पोस्ट ऑर्डर होता है, तो देखेंगे हम यहाँ पर हम डिलीट करेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे लेफ्ट, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है तो राइट में जाएंगे, इसके लेफ्ट में जाएंगे तो क्या 11, तो सबसे पहले क्या आएगा 11, तो
ऑप्शंस में लिख रहा है सबसे पहले 11 यही थ्री ऑप्शन होना चाहिए, 11 के बाद राइट में कुछ नहीं है तो 12, तो 11 12 ये राइट खत्म, फिर अगर 10 ये लेफ्ट खत्म, फिर राइट में आएंगे इसके लेफ्ट में 15, इसके लेफ्ट में 16, तो 16 राइट में जाएंगे 19, रूट 18, लेफ्ट खत्म राइट है नहीं तो 20, लेफ्ट खत्म राइट खत्म 15, तो ये हमारा क्या होगा पोस्टमार्टम, तो ऑप्शन कौन सा सही है बी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आया था जिसमें आपसे पूछा था कि अगर आपको एक बीएससी का प्री ऑर्डर लगाना है तो उसका पोस्टमार्टम क्या होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक और क्वेश्चन आया था डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन की, एक एक क्या है एविएंट भी है इसमें एन एलिमेंट्स है, एक एविएंट भी है इसमें एन एलिमेंट है, तो फर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी अगर हमको एन स्क्वायर एलिमेंट इसमें इंसर्ट करने हैं। तो आप समझिए कि एक एवीएल है, ठीक है, इसमें एन एलिमेंट है, एक एवीएल है इसमें एन एलिमेंट है, तो इसकी हाइट कितनी होगी लॉग एन, इसकी हाइट कितनी होगी लॉग एन, क्योंकि एवीएल है हमेशा तो ये बैलेंस पॉइंट सस्ती है, इसकी हाइट हमेशा बैलेंस रहेगी। अब log n क्यों है, क्योंकि n एलिमेंट इसमें ऑलरेडी है, अब n स्क्वायर एलिमेंट हमको इंसर्ट करने हैं, तो आप समझिए किसी भी ट्री में अगर एलिमेंट इंसर्ट करने हैं तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि वो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो हमको कितना ट्रैवर्स करना पड़ेगा, उसकी हाइट के इक्वल। ठीक है, आपको कितना ट्रैवर्स करना पड़ेगा उसकी हाइट के इक्वल फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस पूछा है क्योंकि सोच सुनना। ठीक है, तो अब हाइट कितनी है इसकी n log n, और कितने एलिमेंट इंसर्ट करने हैं इसमें n स्क्वायर, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी फर्स्ट केस में n स्क्वायर log n। ठीक है, log n हाइट है और n स्क्वायर की में इंसर्ट करने हैं फर्स्ट केस में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा n स्क्वायर log n। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने अभी डिस्कस किए, हम नेक्स्ट वीडियो में मैं सबका क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक, थैंक यू। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।